सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आई होप आप सब मजे में होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। एज वी ऑल नो कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, सरकारी नौकरी, जिसके अभी रिसेंटली फॉर्म भी निकले हुए हैं दिल्ली पुलिस और SSC स्टेनोग्राफर के, तो सरकारी नौकरी ना सबका ही एक सपना होती है कि हाँ हम करें ये जॉब, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी सारे बेनिफिट्स दिखते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज दिखते हैं और वर्कलोड थोड़ा कम लगने लग जाता है। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब अगर सपना है तो उसको सच करने का टाइम अब आ गया है। बहुत ही कम टाइम आप सबके पास बचा हुआ है, नवंबर में एग्जाम है, तो अभी से ही अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे तो आई होप कि इस बार तो एग्जाम ये क्रैक हो ही जाए जो स्टूडेंट्स बहुत बहुत टाइम से लगे हुए हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी ने कहा भी है कि गवर्नमेंट जॉब मीन्स कि जो सरकारी नौकरी होती है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, या वो जो सरकारी गाड़ी होती है ना वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। वो अगर आपको चाहिए तो उसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन है जस्ट मेहनत एंड कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस। तो अगर आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं है या फिर इंटेलिजेंट भी नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, आप वो जॉब नहीं ले सकते, कि सिर्फ ये चीजें बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बनी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो मेन थिंग चाहिए सक्सेस हो या फिर कोई एग्जाम क्रैक करना हो कुछ भी चीज, तो उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डेडिकेशन, मीन्स कि आपके अंदर से ये चीज आनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज करनी ही करनी है, या कोई पर्टिकुलर एग्जाम है उसको पकड़ के बैठ गए कि मुझे उसको क्रैक करना ही करना है। एंड सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूएशन में प्रैक्टिस। अगर आप कॉन्टिन्यूएशन में किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, डेली बेसिस पे आप पढ़ते हैं, चाहे 15 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, बट डेली करते हैं, तो वो आपको एक दिन डेफिनेटली सक्सेस दिलाता ही दिलाता है। सो ना ज्यादा बातें करते हुए मैं आपको बता दूं कि आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी जितने भी आपके अभी तक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं, लाइक दिल्ली पुलिस है, SSC कंडक्ट करवाता है, या CISF, कोई भी किसी भी फील्ड का आप लगा लीजिए, तो उनमें जर्नल साइंस एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा टफ भी लगते हैं अगर हम 11th-12th में साइंस नहीं पढ़ते हैं, या फिर इस डर से ही साइंस नहीं लेते कि 10th में टफ लगती है और फिर आगे साइंस नहीं चलेगी, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा टफ होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये ईजी होती है अगर आप समझ के इसको करें तो। तो आप जो जनरल साइंस का जो हमारा पोर्शन है उसमें कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आए, किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कॉमेंट करना मत भूलेगा, क्योंकि आपके कॉमेंट्स है ना अंदर से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स को पसंद आ रही है या इतनों ने लाइक करी है, तो उनके लिए हम वीडियो लेकर आए। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज जनरल साइंस, देखिए सामान्य विज्ञान होता है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, देयर आर नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमंस, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसमें कितनी मांसपेशियां होती है। आंसर इज 639 मांसपेशियां होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम मेटल इज कैप्ड अंडर, देखिए यहाँ पे वर्ड दे रखा है सोडियम। सोडियम क्या है? एक धातु है, इसको किसके अंदर रखा जाता है? अगर सोडियम की बात करें, सिंबल Na होता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, परमाणु संख्या जो कि आवर्त सारणी में ये इतने प्लेस पे आती है तो वो 11 है। नाउ आंसर है केरोसिन में। केरोसिन का मतलब क्या होता है? मिट्टी तेल में। अब इसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? इसका आंसर ये है कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इन्हें ऐसे मॉइस्चर से बचाने के लिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये रिएक्ट ना करें और किसी भी टाइप का एक्शन ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, या जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है किसी भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं जो एयर में प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से आग लगने का खतरा रहता है। इसलिए सोडियम धातु को हमेशा केरोसिन ऑयल, केरोसिन में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस,
गैस्ट्रिक जूस का मतलब जो हमारे आमाशय में, हमारे स्टमक में जो जूस होता है, रस होता है, वो कौन सा प्रेजेंट होता है? तो आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है HCl, ठीक है। आप इसको HCl से डिनोट करेंगे। हिंदी में भी इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, एसिड को अम्ल कहते हैं। नाउ दो पॉइंट्स हैं इसके बारे में इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट है योर स्टमक मेक इट नेचुरली टू हेल्प डाइजेस्ट फूड। ये हमारा जो स्टमक आमाशय है ये इसको नेचुरली बनाता है, जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, मीन्स उस भोजन को पचाने के लिए। सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्रियली इसका जो यूज किया जाता है, मीन्स कि उद्योग में, व्यापार में इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कैसे यूज किया जाता है। टू प्रोसेस स्टील द मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर सस्पेंशन ब्रिजेस एंड कार्स एंड ट्रक्स। कार, ब्रिजेस और ट्रक्स में जो हैवी क्वालिटी का स्टील लगाया जाता है वो बनाने में ये हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके अलावा जो हमारी बाथरूम की टाइल्स होती हैं उनको, या फिर ऐसा कोई हार्ड सरफेस जो आपको साफ करना हो, उन सब चीजों में भी, वो जो क्लीनर्स होते हैं उनमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग। कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल होता है? ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है खून का थक्का जमना। मतलब हमने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, हम कहीं गिर जाते हैं या फिर हमें थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना वो खून अपने आप इकट्ठा होकर जम जाता है, तो उसे कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो वो किस विटामिन की वजह से होता है? तो आंसर है विटामिन के। अब देखिए हर क्वेश्चन में मैं आपको जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो प्लीज आप अपना पेपर पेन लेकर बैठिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकें और अपने एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। नाउ विटामिन के, अब इसके कुछ यूजेस देखते हैं। विटामिन के जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली हमारे बोन्स, हड्डियों के लिए और वंग हीलिंग के लिए, मीन्स कि जो जख्म हो जाते हैं उनको हील करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए विटामिन के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें मैंने फूड बोला हुआ है कि कौन से टाइप का फूड खाने से हमें विटामिन के मिलता है, तो दो है विटामिन K1 एंड K2। फर्स्ट फूड की बात करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मीन्स की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, गोभी या फिर पत्ता गोभी, ठीक है, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, तो ये कुछ एग्जांपल्स K1 विटामिन के लिए हैं। K2 टाइप के लिए देखिए, लार्जली ऑब्टेंड फ्रॉम मीट, चीज, फिश एंड एग, जो आपका नॉन वेजिटेरियन फूड आता है। अब जरूरी नहीं है कि सब लोग नॉन वेज खाएं, या फिर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि सब लोग वेजिटेरियन ही हो, तो ये दोनों टाइप के फूड होते हैं जिसमें आपको विटामिन के मिलता है, या फिर आप इनको डाइट में डालेंगे तो आपके लिए विटामिन के और ज्यादा एक्सेस में आ जाएगा, मतलब कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली हमारी बोन्स के लिए। तो आप अगर आप ये चीजें नहीं अपनी डाइट में फॉलो करते हैं या प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज इसको स्टार्ट करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इन द वर्ल्ड इज। जो स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब कि सबसे छोटा फूल वाला जो पौधा है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में, उसका नाम क्या है? सो आंसर इज वोफिया। वोफिया बहुत ही अलग सा नाम है, सुना भी नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। तो वोफिया क्या है? वोफिया भी बोल सकते हैं इसको, या फिर एशियन वाटरमेल या फिर डक वीड भी इसको बोला जाता है। वोफिया को हिंदी में वोफिया ही बोलेंगे। अब ये कहाँ पे पाया जाता है? ये स्पेशली एशिया से नेटिव है, या फिर जो हमारे अमेरिका है उसके कुछ पार्ट्स में भी इसको पाया जाता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि ये किस टाइप का प्लांट होता है, ये कैसा पौधा होता है? तो वोफिया एक्वेटिक प्लांट है, मीन्स कि पानी वाला पौधा है। इट ग्रोज इन मैट्स ऑन द सर्फेस ऑफ काम फ्रेश वाटर बॉडी सच एज पॉन्ड, लेक एंड मार्शेस। मार्शेस का मतलब होता है दलदल, मीन्स कि जो ठहरा हुआ सर्फेस होता है वहां पे ये पाया जाता है। आपको इसकी पिक दिखाऊंगी मैं, तो मतलब ये बहुत ही छोटा सा होता है, इतना छोटा सा, इसमें फ्लावर्स भी निकल रहे होते हैं, और ये अगर फ्लो वाले वाटर में पाया जाएगा तो ये बह सकता है, तो इसलिए हमेशा ये काम वाटर में पाया जाता है, जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं उनमें। इसके अलावा इसका जो कलर है येलो ग्रीन कलर का ये होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर, ये जो नीचे के दो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये रिपीट होते हैं, इवन DRDO तक में ये क्वेश्चन आप देखेंगे उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर, केमिकल नेम का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट का रासायनिक नाम, तो जो बेकिंग पाउडर है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, आंसर इज सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, NaHCO3। इसके अलावा बेकिंग पाउडर वर्ड आपने बहुत बार घर में सुना ही होता है, ये बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, इसका यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर का यूज हमेशा बेकिंग के प्रोडक्ट्स लाइक बेकरी में यूज करते हैं, बिस्किट्स है, केक है, पेस्ट्री है, ऐसी चीजों को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब हम बैटर में किसी चीज का बैटर बना रहे हैं लाइक केक बनाना है तो उससे पहले उसका बैटर रेडी होता है, तो उसमें हम जब बेकिंग पाउडर डालते हैं तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि बबल्स को बनाती है, बबल्स की फॉर्मेशन होती है और ये एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है विरंजक चून, इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आंसर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, सिंबल है इसका CaClO2। ये दोनों चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में सिंबल दे के नाम पूछा जाता है और कई बार नाम से सिंबल पूछा जाता है, तो ये दोनों चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है विरंजक चून, इसका यूज किस में किया जाता है, लॉन्ड्री में यूज किया जाता है, मतलब कपड़ों के लिए इसका यूज करते हैं। उसके अलावा जो डिसइंफेक्टिंग वाटर होता है उसको पीने लायक पानी बनाने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज CSIR स्टैंड्स फॉर, CSIR कहाँ किस चीज के लिए स्टैंड करता है या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है, आंसर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब ये कब एस्टैब्लिश हुआ था इसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अलावा इनके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट की बात करें तो इनके प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के वो हैं, और ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोदी जी हैं, तो अभी इनके प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और उसके अलावा ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 26 सितंबर 1942 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो हमारी भारत सरकार है उसके द्वारा 26 सितंबर 1942 को ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। सो ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टाइप के क्वेश्चंस की लेकर आऊंगी, एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।